नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जो आप देख रहे हैं, मेरी गाड़ी काफ़ी दिनों से यहाँ पे खड़ी थी और बरसात ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से मैंने इसको चलाया नहीं। और इसमें एक प्रॉब्लम और है, इसकी बैटरी डेड हो चुकी है। और मैं आपको सेल्फ लगा के दिखा देता हूँ कि इसका सेल्फ कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो आप मीटर की तरफ देखेंगे तो मैंने जैसे सेल्फ ऑन किया, इसके बाद आप देख सकते हैं मीटर से लाइट ही गायब हो जा रही है, क्योंकि बैटरी क्या है, एकदम से डेड हो चुकी है। जैसे हम सेल्फ लगा रहे हैं, ये देखिए बंद हो रही है, ये देखिए कुछ ऐसे साउंड आ रहा है। तो सेल्फ लेने का बिल्कुल भी इसमें दम नहीं रह गया। मैं बैटरी के बारे में आपको बता दूं तो मैंने बैटरी इसमें डलवाई थी आज से लगभग तो 2.5 साल पहले, 11 अप्रैल 2019 को। एमरॉन ब्लैक करके आती है, 18 मंथ की उसमें वारंटी होती है, 18 मंथ तक मतलब रिप्लेस वाली वारंटी होती है। और मेरे हिसाब से सबसे घटिया बैटरी वही होती है। तो इसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि वो एमरॉन ब्लैक तो कभी भी मत लगवाएं अगर आपको गाड़ी रखनी हो तो, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। अभी आप देख रहे होंगे इसमें मैंने एमरॉन ब्लैक बैटरी डलवाया हुआ है, और इसका मैं हर चीज़ आपको बताऊँगा कि इसके बाद मैं अब कौन सी बैटरी डलवाऊंगा, कितने एम्पियर आवर की रहेगी और कितने की पड़ेगी, इसका कितना रेट जाएगा। तो चलिए बैटरी लगवाने चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बैटरी कितने की मिलती है, कितने की पड़ती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बैटरी वाले शॉप पे और चल के वहाँ देखते हैं कि कौन कौन सी बैटरी उपलब्ध है। वहाँ की मैं एक्साइड के डीलर के यहाँ जा रहा हूँ अभी, और इसके बाद वहाँ अगर एक्साइड की टॉप मॉडल मिल जाएगी बैटरी में तो उसको लगवाऊंगा, अगर उसकी नहीं मिलती है तो फिर एमरॉन में फिर से मैं जाऊँगा। लेकिन इस बार जो भी बैटरी मैं लगवाऊंगा वो सब टॉप मॉडल रहेंगी, जिस भी ब्रांड की रहेंगी। तो यहाँ का जो आप देख रहे हैं नज़ारा है, क्या हो गया, पानी बहुत गिरा है अभी 3-4 दिनों से, जिस वजह से इस तरह यहाँ का लोकेशन है। बाकी मैं पहुँच गया हूँ बैटरी वाले शॉप पे और चल के देखते हैं। ये है एक्साइड बैटरी की शॉप। ये साहब हमारी बैटरी चेंज कर रहे हैं, जो एक साइड के डीलरशिप में वर्क करते हैं। आप यहाँ का लोकेशन देख सकते हैं, कुछ ऐसा लोकेशन है। तो इस बार मैं इमरान से स्विच करके एक साइड में चला गया हूँ, उसकी परफॉर्मेंस देखता हूँ कितनी चलती है। अभी गाड़ी बहुत गंदी है क्योंकि बरसात का सीज़न चल रहा है, और ये पुरानी बैटरी निकल चुकी है। और इसका मैं स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ आपको, देखिए जो पहले लगी थी एमरॉन की, ये वाली लगी थी। ये जो एक्साइड की आप बैटरी देख रहे हैं, इसका मॉडल है एक्साइड इजी EY700। इसमें 44 मंथ की गारंटी एंड वारंटी है, जिसमें जो 2 साल हैं, 2 साल में अगर बैटरी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस हो जाएगी। और उसके बाद फिर इसमें 20 मंथ की वारंटी भी है, जिसमें कुछ चार्जेबल रहेंगे। तो उसमें अपना टर्म्स एंड कंडीशन होता है इन बैटरी वालों का। तो बैटरी कंप्लीट हो गई है, अच्छे से लग गई है। चलिए पहला सेल्फ हम लेते हैं। और इसमें अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अभी एक बार इग्निशन ऑन किया है, एक बार इसको ऑफ करूँगा, दोबारा से ऑन करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो हीटर लाइट जलती है वो बंद हो जानी चाहिए, वो बंद हो चुकी है। चलिए अब सेल्फ लेते हैं और फिर देखते हैं इसका रिस्पॉन्स। तो एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हुई है, जैसा कि आपने पूरी प्रोसेस देखी बैटरी लगवाने की। और मैं अब आपको बता दूं कि मुझे बैटरी पड़ी कितने की है, तो मैं एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ। पुरानी जो मेरी बैटरी थी एमरॉन की, उसकी उन्होंने वैल्यू लगाई स्क्रैप में 1500 रुपये, और जो अपनी बैटरी दी उन्होंने उसकी वैल्यू लगाई 7000। और इसमें क्या हुआ कि मुझे फिर वो बैटरी पड़ गई टोटल 5500 रुपये की, उसमें 1 रुपये का भी डिस्काउंट उन्होंने नहीं किया है।
जितने की मुझे पड़ी है मैं आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।